हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल देवाशीष ट्यूटर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, शो दैट ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, तो ट्रेपेजियम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बट ओनली वन, यस वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये देखिए, ये ए बी एंड डी सी जो है वो पैरेलल गिवन है, इनके डायगोनल्स ए सी एंड डी बी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी डी सी के पैरेलल है एंड ये ओ जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। तो दिखाना है कि ए ओ बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी। मीन्स ध्यान से देखिए, इस सी ओ को यहाँ पे कर देंगे तो ए ओ बाई ओ सी हो जाएगा। ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी, बी ओ को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो क्या गिवन है? अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी सच दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। क्या प्रूव करना है? देखिए, ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। तो इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, थोड़ा सा हेल्प चाहिए क्योंकि बिना हेल्प का ये बनेगा नहीं। हेल्प करने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन का मतलब ही हो गया हेल्प। तो क्या ड्रॉ किए हम लोग? एक लाइन ओ एम, यस ड्रॉ ओ एम पैरेलल टू ए बी फ्रॉम ओ, ओ से ए बी के पैरेलल एक लाइन हम लोग ड्रॉ किए। चलिए अब देखते हैं प्रूफ कैसे हो सकता है। तो आइए, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी जो है वो ओ एम के पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू ओ एम बाय कंस्ट्रक्शन। ए बी इज पैरेलल टू ओ एम, तो अब हमें सोचना है कि कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यस, सोच लिए, ये ए बी इस ओ एम के पैरेलल है, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि सी ओ बाई ओ ए इज इक्वल टू सी एम बाई एम बी। नहीं, ये हो कैसे गया? देखिए, हम लोग ट्राइंगल कौन सा लिए, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी ट्राइंगल लिए है ना, तो सी ओ बाई ओ ए इज इक्वल टू सी एम बाई एम बी, ये हो गया बाई बी पी टी, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब आगे ध्यान देते हैं, सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू ओ एम, देयरफॉर ओ एम इज पैरेलल टू डी सी। ध्यान दीजिए क्या लिखे हैं, ये ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, ऐसा दिया हुआ है, और ये ए बी जो है वो ओ एम के पैरेलल है, ऐसा बाई कंस्ट्रक्शन से हो गया बाई। तो ये तीनों क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, मीन्स ओ एम जो है वो डी सी के पैरेलल हो गया।
तो इन ट्राइंगल बी डी सी, देखिए बी डी सी ओ एम जो है वो डी सी के पैरेलल है, ओ एम जो है वो डी सी के पैरेलल है, तो इस केस में क्या होगा ना, बी ओ बाई ओ डी इज इक्वल टू बी एम बाई एम सी। लेकिन यहां पर देखिए सी एम बाई एम बी है। अच्छा पहले हम यहां पर लिखते हैं कि ये कहां से आया ना, बाई बी पी टी। अब क्या करना है इसे सोचिए, वो जो रेशियो देख रहे हैं इस रेशियो को हम लोग रेसिप्रोकल करने वाले हैं। दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहां पर, ये ओ डी बाई बी ओ इज इक्वल टू एम सी बाई बी एम, और ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। यहां पे क्या किया हम लोग, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू का राइट साइड सेम है, दैट मीन्स इनके लेफ्ट साइड भी सेम होंगे। ऑन यूजिंग इक्वेशंस वन एंड टू वी गेट सी ओ बाई ओ ए इज इक्वल टू ओ डी बाई बी ओ। तो हमें प्रूफ क्या करना है, अच्छा इस बी ओ को यहां पे ले आ रहे हैं, दिस इंप्लाइज बी ओ बाई ओ ए इज इक्वल टू ओ डी बाई सी ओ। ये जो सी ओ है उसको यहां पे ले आए और इस बी ओ को जो है वो ऊपर ले आए, ठीक है। बट इसका अगेन हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हो जाएगा ओ ए बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, और यही हम लोगों को प्रूफ भी करना था। तो स्टूडेंट्स हम लोग नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।